In this video of Digital Electro, going to design mod 5 synchronous up counter using JK flip-flop. ठीक है, तो first of all number of states that can be count by this counter वो कितनी होगी जो ये count करेगा, that is equal to 5. ठीक, now what is the range of counting? Range of counting 0 to n minus 1, n is 5, तो 0 to 4, it will count 0 to 4. Now how many flip-flops are required? Capital N should be less than equal to 2 raised to power small n, where small n is the number of flip-flop and capital N is 5. तो यहाँ पर हम अगर values को put करें 5 less than equal to, अगर हम 2 put करते हैं तो यह 4 होगा, condition satisfied नहीं होगी, तो हम क्या put करेंगे? 3. अगर हमने 3 put किया तो 5 is less than 8, means condition satisfy हुई, means number of flip-flops कितने required होंगे? 3. Number of flip-flops 3 required हुए, assume उन flip-flops के name हो गए A, B, C, this is MSB flip-flop और ये हमारा होगा for LSB, clear? Now, अब हम इसके अगर state diagram बनाते हैं तो क्या होगा? 0, 0, 0 for state, then 0 से ये पहुँचेगा 0, 0, 1 पर, then 0, 1, 0 पर, 2 पर, then 0, 1, 1, 3 पर, 3 से ये कहाँ पहुँचेगा? 1, 0, 0, 4 पर. अब हम show करते हैं ये कैसे counting करेगा? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, then 4 से वापस 0, ठीक है? तो this is the state diagram for mod 5 counter, clear? Now, अब हम इसकी draw करते हैं state table. State table में हमारी सबसे पहले क्या होगी? Present state, then next state, then inputs of flip-flop, ठीक? तो ये मैंने लिख रखे हैं. Present states में हम क्या लेते हैं? QA, QB and QC, ठीक? Now, next state में क्या होगा? QA plus 1, QB plus 1, QC plus 1, ठीक? तो पहले मैं स्टेट्स कंप्लीट करती हूँ. अकॉर्डिंग टू दिस प्रेजेंट स्टेट क्या है? 000. तो नेक्स्ट स्टेट क्या है? 001. नाउ प्रेजेंट स्टेट क्या है? 001. नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 010. नाउ प्रेजेंट स्टेट इज 010. नेक्स्ट स्टेट इज 011. 2 से 3. नाउ 3 क्या होगी? प्रेजेंट स्टेट. और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 4. नाउ 4 क्या होगी? प्रेजेंट स्टेट. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 0. ठीक, अब ये 3 वेरिएबल्स हैं तो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 8 होंगे, मींस कि 101, 110, 111 भी होगा. इसको आप 0 भी लिख सकते हो और डोंट केयर भी, डिपेंड्स कि आपके क्वेश्चन में क्या मेंशन है. मैं इसमें इनको डोंट केयर लेती हूँ, मींस कि जो भी अनयूज्ड स्टेट्स हैं उनको मैं क्रॉस 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 डोंट केयर लेती हूँ. अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्टर अनयूज स्टेट इट विल गो ऑन इनिशियल स्टेट 0, तो आप यहाँ पर डोंट केयर की जगह 000 पुट करोगे, ठीक है? Now, अब हमारे inputs 3 flip-flops हैं और every flip-flop में 2 inputs होंगे, JA, KA, JB, KB, JC, KC, ठीक है? तो हम 1 by 1 करेंगे सबके लिए. तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगी? Excitation table of JK flip-flop. Excitation table मैं यहाँ पर लिखती हूँ JK flip-flop की. QN, QN plus 1, JK. For 00, J is 0, K is cross. For 01, J is 1, K is cross. For 10, J is cross, K is 1. For 11, J is cross, K is 0. ठीक, तो यही वाली हमें एक्साइटेशन टेबल यूज करनी है फॉर ऑल कॉम्बिनेशंस. तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1. तो सबसे पहले हम केस लेते हैं जे ए एंड के ए का. जब हम जे ए एंड के ए का लेंगे तो प्रेजेंट स्टेट इज क्यू ए एंड नेक्स्ट स्टेट इज क्यू ए प्लस 1. ठीक, तो स्टार्ट करती हूँ मैं इसके लिए. सबसे पहले यहाँ पर देखें आप 000000 स्टार्टिंग के 3, यहाँ पर देखें स्टार्टिंग के 3 केसेस के लिए प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट बोथ इज 0, तो वैल्यू क्या होगी? 0 क्रॉस, 0 क्रॉस, 0 क्रॉस, 0 क्रॉस. ठीक, नेक्स्ट स्टेट पर यहाँ 0, यहाँ 1, 01 के लिए 1 क्रॉस, 1 क्रॉस. नेक्स्ट 10, फॉर 10 क्रॉस 1, हमने लिखा क्रॉस 1. लास्ट के केस में डोंट केयर है तो हमारे क्या होंगे? डोंट केयर. ये इवन सबके लिए ही होगा तो मैं पहले ही डोंट केयर मेंशन कर देती हूँ सबके. ठीक है, नाउ अब जेबी के लिए, केबी के लिए तो हमें क्या देखना होगा? क्यूबी एंड क्यूबी प्लस 1. फर्स्ट केस 00 मींस 0 क्रॉस. नेक्स्ट केस इज 01. फॉर 01 1 क्रॉस होगा, 1 क्रॉस. फिर 11, 11 के लिए क्रॉस 0, डन. नाउ 10, 10 के लिए क्रॉस 1. लास्ट केस इज 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, मींस कि इट विल बी 0 क्रॉस. ठीक, जेबी भी डन हो गया. नाउ फॉर जेसी केसी हम कैसे को ऑब्जर्व करेंगे? क्यूसी एंड क्यूसी प्लस 1 को. यहाँ पर क्या है? 0 से 1, मींस कि 1 क्रॉस, 1 क्रॉस. नेक्स्ट क्या है? 1 से 0,
means cross 1. Next क्या है 0 से 1 means 1 cross. Next क्या है 1 से 0 means cross 1. Last is 0 to 0 means 0 cross. ठीक, तो this is the state table for mod 5 synchronous up counter using JK flip flop. ठीक, now अब हम इनकी equations लिख देते हैं. For simplicity कि हम सीधे इसकी equation लिख सकें, हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर इनकी decimal equivalent लिख देती हूँ इन inputs के. तो first क्या है 0, then 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7. ये लिखना ज़रूरी नहीं है, equation easily लिख सकूँ, इसलिए मैंने इस binary का decimal equivalent लिखा है. After writing the equation, मैं इसे erase कर दूँगी. तो now, for JA, what is the equation? JA summation M, कहाँ पर ये 1 है? सिर्फ और सिर्फ 3 पर. यहाँ पर आएगा 3 प्लस डोंट केयर कहाँ है 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. नाउ फॉर के ए समीशन एम कहाँ पर मीन टर्म है सिर्फ और सिर्फ एक कहाँ पर 4 पर. तो यहाँ आएगा 4 प्लस ऑल डोंट केयर मीन्स की 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. नाउ फॉर जे बी समीशन एम मीन टर्म्स 1 ओनली 1 मीन टर्म वो भी कहाँ 1 पर 1 प्लस डोंट केयर 2, 3, 5, 6 एंड 7. नाउ फॉर के बी समीशन एम मीन टर्म्स ओनली 1 मीन टर्म एट 3 प्लस डोंट केयर कहाँ है 0, 1, 0, 1, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. ठीक है 4, 5, 6, 7 पर हमारे डोंट केयर. नाउ फॉर जे सी समीशन एम 0, 2. दो मीन टर्म्स हैं 0 एंड 2 प्लस डोंट केयर कहाँ है 1, 3, 1, 3, 1, 3, देन 5, 6, 7. 5, 6, 7. नाउ फॉर के सी समीशन एम के सी के लिए समीशन एम मीन टर्म्स हमारा कहाँ है 1 एंड 3. 1 एंड 3 प्लस डोंट केयर कहाँ है 0, 2, 0, 2, देन 4, 5, 6, 7. 4, 5, 0, 2, 4, 5, 6, 7. 6, 7. ठीक, दीज आर द डोंट केयर्स. ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें 6 के मैप्स बनाने होंगे फॉर ऑल दीज. ओ मैं सबसे पहला के मैप बनाऊंगी फॉर जे ए. जे ए के केस में हमारा मीन टर्म कहाँ है 3. 0, 1, 2, 3. डोंट केयर 4, 5, 6, 7. ठीक, नाउ फॉर के ए के लिए कहाँ पर है मीन टर्म हमारा कहाँ है 4 पर. नाउ रिमेनिंग हमारा क्या है 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 और डोंट केयर है. ठीक, तो हमारा जब जे ए की इक्वेशन लेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारा एक पेयर फॉर्म हो रहा है, तो इस एक पेयर से हमारी क्या वैल्यू आएगी क्यू बी क्यू सी. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जे ए इज इक्वल टू क्यू बी क्यू सी. ठीक है, नाउ फॉर के ए ऑल मीन टर्म्स इंक्लूड करेंगे और डोंट केयर, तो हमारा एक ऑक्टेट बनेगा और ऑक्टेट बनेगा तो हम क्या लिखेंगे के ए इज इक्वल टू 1. ठीक, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जे ए एंड के ए. नाउ अब हम करते हैं किसके लिए जे बी एंड के बी के लिए. नाउ अब हम पुट करते हैं वैल्यू फॉर जे बी. जे बी के लिए हमारा मीन टर्म कहाँ है 1. नाउ डोंट केयर 2, 3, 2, 3, देन 5, 6, 7, 5, 6 एंड 7. नाउ के बी के लिए मीन टर्म कहाँ है हमारा 3 मीन्स दिस वन. डोंट केयर इज 0, 1, 0, 1, देन 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7. ठीक है, नाउ अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं. अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों में ही एक क्वाड फॉर्म हो रहा है. फर्स्ट यहाँ पर क्वाड ये वाला फॉर्म हुआ, तो व्हाट इज़ द इक्वेशन फॉर जे बी. जे बी इज इक्वल टू दोनों रो यूज़ हो गई मीन्स 1 हो गया, कॉलम से व्हाट इज़ द कॉमन वैल्यू क्यू सी इज कॉमन. ठीक, नाउ फॉर के बी. के बी के लिए हम चेक करते हैं. के बी के लिए जब हम फॉर्म करते हैं ये हमारा क्वाड फॉर्म हुआ. ठीक है, सेम प्लेसेस पे है मीन्स कि यहाँ पे भी रो से 1 हो गया और कॉलम से क्या कॉमन आएगा क्यू सी. मीन्स कि जे बी एंड के बी बोथ विल बी इक्वल टू क्यू सी. नाउ अब हम करेंगे किसके लिए जे सी एंड के सी के लिए. नाउ ये के मैप में हम प्लॉट करेंगे सबसे पहले जे सी को. व्हाट इज द मीन टर्म 0 एंड 2. 0 एंड 2. डोंट केयर 1, 3, 1, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7. ठीक, नाउ फॉर के सी 1 एंड 3, 1 एंड 3. डोंट केयर 0, 2, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक, तो नाउ अगर हम जब जे सी की इक्वेशन लिखेंगे फॉर जे सी, तो हमारा जब पेयर फॉर्म करेंगे या जो भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा एक क्वाड बन रहा है दिस वन.
ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू ए बार, ठीक है. नाउ फॉर के सी, के सी के लिए हम चेक करते हैं, हमारा एक ऑक्टेट बनेगा दिस वन, मीन्स कि के सी विल बी इक्वल टू वन. ठीक, तो ये हमें सारी की सारी इनपुट इक्वेशंस मिल गई फॉर जे ए, के ए, जे बी, के बी और जे सी, के सी. नाउ अब हम इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं. तो फॉर दिस हमें थ्री फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड थे, तो मैंने थ्री फ्लिप फ्लॉप्स लगाए, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप एंड थर्ड फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, वन मोर थिंग जो आपको हमेशा काउंटर का डायग्राम बनाते वक्त याद रखना है कि दिस इज एल एस बी, दिस इज एम एस बी. नाउ दिस इज सिंक्रोनस काउंटर, तो क्लॉक विल बी सेम फॉर ऑल. ठीक है, तो मैंने ये कॉमन क्लॉक अप्लाई कर दी सबको. ठीक है, इट कैन बी निगेटिव एड्स, इट कैन बी पॉजिटिव एड्स, डिपेंड्स, बस मोस्टली हम यूज़ करते हैं निगेटिव एड्स. ठीक, नाउ अगर ये हमारा एल एस बी था, मीन्स कि दिस इज जे सी, के सी, करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, क्यू सी एंड क्यू सी बार. ठीक, दिस विल बी जे बी, के बी और यहाँ क्या होगा, क्यू बी, यहाँ क्या होगा, क्यू बी का बार. नाउ यहाँ क्या होगा हमारा, जे ए, के ए, क्यू ए एंड क्यू ए बार. ठीक है, नाउ अब हम कनेक्शन करते हैं, तो स्टार्ट विथ जे सी. जे सी के लिए क्या है, क्यू ए बार, मीन्स कि ये हम लेंगे फीडबैक और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे. नाउ फॉर के सी क्या है, वन, मीन्स कि यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे प्लस वी सी सी या हम लिखेंगे लॉजिक वन. क्लियर, ये हमारे इनपुट हो गए फॉर एल एस बी फ्लिप फ्लॉप, जे सी एंड के सी का कनेक्शन कर दिया मैंने. नाउ फॉर जे बी एंड के बी हम देखते हैं, जे बी एंड के बी बोथ के लिए क्या अप्लाई हो रहा है, क्यू सी, तो हमने लिया जे बी को और इसको के सी के साथ, सॉरी जे बी और के बी को शॉर्ट किया और इस पर अप्लाई क्या किया, क्यू सी. ठीक है, नाउ फॉर जे ए, जे ए के लिए क्या है, क्यू बी क्यू सी, मीन्स कि हम एक एंड गेट लगाएंगे, इसको हमने एक इनपुट क्यू बी दी, दूसरी इनपुट हमने क्यू सी दी और इसकी आउटपुट कहाँ जाएगी, जे ए को. ठीक है, नाउ फॉर के ए क्या है, वन, मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा, लॉजिक वन. नाउ अब मैं इसकी आउटपुट्स को शो कर देती हूँ. आउटपुट्स हम कैसे शो करेंगे, इसकी जो आउटपुट होगी, दिस इज क्यू सी, क्यू बी, जहाँ पे मैं ये डॉट शो कर रही हूँ ये वायर्स आउटपुट्स की होंगी, और दिस इज क्यू ए. ठीक है, नाउ दिस इज द फाइनल सर्किट ऑफ मॉड 5 सिंक्रोनस अप काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.